अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम तीन बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं और बड़ी ही अहम खबरें हैं, अंदर की भी इसमें बड़ी खबरें हैं कि किस तरह से समा टीवी को ट्रांसफर किया गया, फवाद चौधरी साहब ने किसकी अनेक्सी में मुलाकात करके अलीम खान के साथ चेयरमैन पैमरा पर दबाव डाला और कौन कौन लोग मौजूद थे। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। इसके अलावा हम आपको ये भी आज बताएंगे कि वारिस रजा साहब जो पाकिस्तानी सहाफी जिनको अगवा किया गया था परसों रात, उनको किसने अगवा किया और उनसे क्या सवाल पूछे गए। वो सवालात बड़े दिलचस्प हैं और ये बताते हैं कि कौन था अगवा करने वाला और अगवा करने वालों ने अपना क्या तारुफ करवाया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो अब अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में तालिबान की नुमाइंदगी करेंगे ऑफिशियली। ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, हम आपको बताते हैं। हुआ यह है कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल काउंसिल में जहाँ पर जो एनुअल उसका मीटिंग होती है, उसमें तमाम ममालिक के सरबराहान या उस मुल्क का जो अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के लिए जो सफीर होता है वो उसमें खिताब करता है। तालिबान की हुकूमत ने सुहेल शाहीन को, जो दोहा में कतर में अफगान तालिबान के स्पोक्समैन हैं, उनको नामजद किया था बतौर अफगान सफीर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के लिए। लेकिन क्योंकि तालिबान की हुकूमत को अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने तस्लीम नहीं किया, तो वो उनकी दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी हुई है कमेटी के आगे, क्योंकि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की कमेटी अप्रूवल देती है कि इस नाम को उस मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर खिताब करने की इजाजत मिलेगी, तो वो कमेटी ने अप्रूवल नहीं दी, तो अब सुहेल शाहीन साहब जाकर वहां पर खिताब नहीं कर सकते। अब अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी अशरफ गनी के जो तैनात करदा अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में जो सफीर थे, यानी कि पिछली अफगान हुकूमत के नुमाइंदे ही कंटिन्यू करेंगे बतौर अफगानिस्तान के नुमाइंदा के तौर पर अफगानिस्तान में। तो इस वजह से अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तालिबान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, यानी कि एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट अफगानिस्तान की नहीं तालिबान की नुमाइंदगी कर रहा होगा। पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट तालिबान की नुमाइंदगी कर रहा होगा, यानी कि हम इस लेवल पे घट के आएंगे तालिबान के दिफा में। उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शाहमुद कुरैशी, कौमी सलामती के मुशीर मुहीद यूसुफ, वज़ीर दाखला शेख रशीद, ये सब तालिबान की वकालत ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अब ये वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अफगानिस्तान के तालिबान के नुमाइंदा भी होंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं हम, जो दिलचस्प खबर है वो ये है कि अलीम खान साहब को फाइनली चले गए हैं शेर समा टीवी के। उसमें दिलचस्प खबर ये है कि ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो शेर मुंतकिल हुए हैं समा टीवी के जफर सदीकी साहब के नाम से, और मालकाना हकूक अलीम खान साहब, उनकी बेटी और उनकी कंपनी पार्क व्यू के नाम पे, ये अब फवाद चौधरी साहब ने भी कहते हैं इसमें बहुत रोल प्ले किया है। और ज़रा ये कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी के एनेक्सी में बैठ के, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो एनेक्सी है जिसमें मिलिट्री सेक्रेटरी रहते हैं, उसमें बैठ के दबाव डाला चेयरमैन पैमरा पे, और उस मुलाकात में अलीम खान साहब भी मौजूद थे, जबकि जो समा टीवी के जो पिछले, अब हम कह सकते हैं ओनर, जफर सदीकी साहब के दामाद जो कि समा टीवी के एंकर भी हैं मुहीद जाफरी, वो भी मौजूद थे, और वहाँ पर यह दबाव डाला गया और चेयरमैन पैमरा पे कि आप ये मुंतकिली करें फौरी तौर पे। और ये दबाव डालने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि पैमरा कवानीन के मुताबिक अगर किसी भी चैनल के नाम पे कोई वाजिबात हुकूमत के वाजिबुल अदा हों तो उसका लाइसेंस नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये वाजिबुल अदा रकम थी, उसके बावजूद ये लाइसेंस ट्रांसफ़र किया गया। 2017 से आज तक समा ने अपने एनुअल लाइसेंस फीस नहीं दी, ज़रा ये कहते हैं, जो कि 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है। 2007 से लेके 2021 तक जो एडवर्टाइजमेंट का ग्रॉस एक वो तयशुदा रकम होती है वो तकरीबन 7.5% जो किसी भी चैनल का रेवेन्यू अर्निंग होती है वो उन्होंने पैमरा को देनी होती है, तो वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती थी, वो भी नहीं दी हुई समा ने, तो तकरीबन आप कह लें 90 करोड़ रुपए के करीब समा के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम है हुकूमत की। लेकिन
अब जरा ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब के दबाव डालने की वजह से ये लाइसेंस मुंतकिल कर दिया गया। और जो पैमरा के बोर्ड में जब ये एजेंडा दिया गया तो उस एजेंडे पर पैमरे पहले लाइसेंस का मामला नहीं था समा टीवी का, लेकिन बाद में वो लाया गया एक नया एजेंडा जारी करके, और उसमें जो बलूचिस्तान से पैमरा की जो रुकन थी फरा अजीम शाह साहबा, उन्होंने इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने रिन्यूअल के भी अभी तक लाइसेंस की दरख्वास्त नहीं दी, इन्होंने फीस नहीं अदा की, इनके रकम वाजिबुल अदा है और हम सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं केस के, हम तमाम चैनलों से ये 90 करोड़ रुपए ले सकते हैं लेकिन हम वो नहीं ले पा रहे और आप इस पर लाइसेंस मुंतकिल करने जा रहे हैं। लेकिन जारी बात है दबाव था तो वो लाइसेंस मुंतकिल हो गया है। तो ये एक बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए डेवलपमेंट हुई है, दिलचस्प है। फवाद चौधरी साहब की इन्वॉल्वमेंट मजीद वो जाहिर करती है कि इसका मतलब है कि फवाद चौधरी साहब अगले सेटअप में कुछ अपने लिए जगह देख रहे हैं, तो उसके लिए क्योंकि अलीम खान साहब के बड़े मंसूबे हैं, अब वो चाहते हैं कि वो सियासी जमातों को मूवमेंट शेक करें मलिक रियाज की तरह, तो इसीलिए वो चैनल ला रहे हैं, बैंक खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर अगली जमातों में मूवमेंट शेक अलीम खान साहब करेंगे तो फिर फवाद चौधरी साहब के लिए जगह बनेगी। तो अगर पीटीआई पावर में नहीं आएगी, जो कि नहीं आएगी, सबको नजर आ रहा है। इसी तरह जो तीसरी और अहम जो एक और खबर है वो है कि वारिस मीर साहब, वारिस रजा साहब जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, बार बार सॉरी मैं पाकिस्तान के लेजेंडरी सहाफ़ी वारिस मीर साहब से उनका नाम मिक्स कर रहा हूँ, बहरहाल वारिस रजा साहब भी कोई छोटा सहाफ़ी नहीं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। तो वारिस रजा साहब को जो अगवा किया गया, अगवाकार रेंजर्स की वर्दी में थे और उन्होंने उनको अगवा करने के बाद अब वारिस रजा साहब बता रहे हैं कि उन्होंने उनसे उनको बताया कि हम रेंजर्स नहीं हैं, हम एजेंसी के लोग हैं, ठीक, एजेंसी के लोग। और फिर उनसे पूछा गया कि आपने जो 3 दिन पहले अपना आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम और जमहूरियत दुश्मन इकदाम, तो उन्होंने कहा कि आप हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ क्यों हैं, उन्होंने कहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये नाजायज निज़ाम है। उनसे कहा गया कि आप सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में ट्वीट्स करते हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये मेरा, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और मैं आर्टिकल 19 के तहत ये करता हूँ। उन ये हालत ये थी एजेंसी के लोगों की, उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 19 क्या है, यानी कि उनको आईन का ही नहीं पता। उन्होंने कहा भाई आर्टिकल 19 और 19A मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस इंश्योर करता है, मुझे रियासत गारंटी देती है आईन के तहत। तो उन्होंने कहा अच्छा छोड़े, चले ये बताएं आप ये क्यों लिखते हैं, इसके खिलाफ भी जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रही है नई, उसके खिलाफ क्यों लिख रहे हैं आप। यानी कि अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि सोशल मीडिया से क्यों, कौन तंग है और कौन मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहा है। हुकूमत नहीं, फवाद चौधरी साहब नहीं, पीटीआई हुकूमत नहीं, वजीर इमरान खान नहीं, ये कोई और ला रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ला रही है। इसीलिए एजेंसी ने अगवा किया और उनसे कहते रहे कि आप इसकी मुखालफत तर्क करें, यह दबाव डाला जाता रहा। और फिर अब आप देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये जो एजेंसी का कहा गया और कहा गया कि हम रेंजर्स के लोग नहीं, ये एक पुराने वाक्य से अगर आप जुड़े तो आपको पता चल जाएगा कौन लोग थे। जब कैप्टन सफदर साहब को होटल से अगवा किया गया, रेंजर्स की वर्दी में ही लोग थे और साथ पुलिस थी, और बाद में जब कहानी खुली तो पता चला कि किस तरह सिंध के आईजी को अगवा करके उन पर दबाव डाला गया कि आप पुलिस भेजें कैप्टन सफदर को अगवा करने के लिए रेंजर्स की वर्दी में लोगों के साथ, और फिर पता चला जिसपे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो के एहतजाज पर एक्शन लेते हुए उस वक्त के जो सेक्टर कमांडर थे आईएसआई के उनको हटाया कि ये कार्रवाई उन्होंने की थी, रेंजर्स की वर्दी में उनके लोग थे, उन्होंने कैप्टन सफदर को अगवा करवाया था। तो अब भी ये लोग कह रहे हैं हम एजेंसी के हैं, हम रेंजर्स की वर्दी में हैं, लेकिन हम एजेंसी के लोग हैं, हम रेंजर्स के नहीं हैं। तो फिर सोचिए किसकी तरफ इशारा जाता है। तो ये हालात हैं इस मुल्क में, ये है सहाफत की आज़ादी। फिर ये बातें करते हैं नहीं नहीं सहाफत तो बड़ी आज़ाद है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, बड़ा कुछ मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये वज़ीर इमरान खान कहते हैं बरतानिया ज़्यादा पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद है, मगरब को मेरे से बेहतर कुछ नहीं आता। बरतानिया में बताइए सहाफ़ी अगवा हो सकते हैं, अगवा करके उनसे पूछा जा सकता है कि हम, और कहा जा सकता है हम एजेंसी के लोग हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हुकूमत को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, ये हो सकता है बरतानिया में या मगरब में। ये मौजे पाकिस्तान में ही हो रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान करवा रहे हैं। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे और ये तमाम चीज़ों के बारे हम आपको आगाह करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।